सब जनाब ओपन करने पे ओ बिस्मिल्ला पिज़्ज़ा इन्हें साहब आज कमाल कर सटिया जी दिल खुश हुआ है जी। साढ़े दोस्त जनाब किबला पीर शेख मुर्तजा हुसैन शहजाद उन्होंने नाम जनाब जनेत मोहम्मद दीन साहब माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह साहब जी बिस्मिल्लाह शाह जी क्या हाल है ऐसा क्या हाल है और जनाब आओ जी बिस्मिल्लाह जनेत मोहम्मद दीन साहब क्या हाल है अज जुमा मुबारक है सी जुमा मुबारक होवे अल्लाह पाक सी सलामत रखन बाकी भी पढ़ा पढ़ो जुमा पढ़ सब दोस्तों कोई पार्टी रखी है उस चेकअप करा सो अज बड़ा बड़ा खूबसूरत तो बाकी चलिए सफर करने आगाज जी पढ़ा भ्रो सुबह टाइम आई गया जनाब लाडला साडा हो गया तैयार बाकी जनाब धुप सुप निकली आई मौसम हो गया साफ सुथरा ठीक है तकी सकने कैमरे करने जूम तो मैं हे जुलिया जुमा पढ़िया बाकी चेक करो हाला आज ना मौसम कह जा जबरदस्त बाकी साढ़े कजन है जी राजा इकराम साहब आ रहे अस कट्ठे जाते जुमा शुमा पढ़सा तो अच्छे पे बाकी उन्होंने मुलाकात करने साढ़े जनाब भाई इकराम साहब आई गए तो जनाब इन्होंने करने मुलाकात इन्हें मुबारकबाद देने जुमे ने अस्सलामुअलैकुम इकराम साहब क्या हाल है सेहत भी ठीक है और सुनो सेहत ठीक है मौसम क्या बना मौसम बहुत जबरदस्त है जबरदस्त है बाकी कारोबारी हालात ठीक है माशाल्लाह मौसम चेंज होया मौसम बहुत जबरदस्त है वाह जी पार्टी जो इनवाइट किया लेकिन थोड़ा नंबर कॉल मैं मारी है लेकिन तुम्हारा नेट कोई जरा बंद होया हाँ बिल्कुल मैं पूछा भाई तुसा भाई है भाई जरा इनवाइट नहीं किया मैं इनवाइट किया लो मिकी बंदे भाई सी वैसे तो मेरा कौन किया तो मिसकाल बादी लगे भी की याद आई तुसा जी कंप्लेंट आई है वाले कल लेकिन बाहर चलो नेक्स्ट इंशाल्लाह चलो बाकी सोच लो ना मैं आना तुसा बेहतर हां बूट बनी किनो कहता जोक रेस्टोरेंट जोक रेस्टोरेंट जनाब अस आई गए तको क्लीनिंग ने वाले नाल और खूबसूरती ने वाले नाल कितना ब्यूटीफुल है और सफाई ने लिहाज नाल है महंगा यार लेकिन यह कि सफाई ने लिहाज बेस्ट है जो सारे यूके तो अखबार ने उन्हें वैसे बेहतरीन है क्योंकि उन्होंने सफाई ने दता है जी मोहब्बत है बाकी अस जनाब एक अजीम शख्सियत ने मालक कारी साहब मौजूद है तो उन्होंने मुलाकात करने और तुसने मुलाकात कराने दसों तक इस सामने लिखे जनाब जोक शनवारी नमकीन टिक्का ये जोक शनवारी पर अस इस वक्त मौजूद हैं बाकी दोस्त पिछले पे वो भी तुम की मुलासा उन्होंने सब बाकी सब तो पहले कारी साहब ने मुलाकात करने उस तो बाद कारी रईस नूरानी साहब एक अजीम शख्सियत ने मालक और खूबसूरत आवाज़ ने मालक ये अक्सर महफलों में तलावत करने और महफल आगाज़ करने अल्लाह ने पाक कलाम तो अज अस इन्होंने बातचीत करने और इन्हें अपना यूट्यूब चैनल भी न्यू क्रिएट किया तो वह भी इन्हें पूछने तो बाकी अस्सलाम वालेकुम ठीक हो अल्लाह पाक का माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामती दिन को मुलाकात हुई थी लेकिन हम जो है चूँकि जनाजे की वजह से हम
इतनी गुफ्तगू शरीफ नहीं हो सकी। आप बताएं अब आप माशाल्लाह आपकी सेहत कैसी है? जी सेहत मेरी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआ में चाहिए बहन भाई की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बेहतर है माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत सलामती अता फरमाए, बड़ी खुशी हुई है। फिर आपको मुबारकबाद भी मैं पेश करता हूँ, चूँकि आपका माशाल्लाह YouTube के हवाले से भी आप बहुत अच्छे वर्कर हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपसे इस हवाले से भी थोड़ी बहुत मालूमात आप फ्राहम करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इस पे मेरी पूरी रहनुमाई भी इंशाल्लाह। तो कर साहब आप ये बताएं कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं बेसिकली जो है वो ज़िला बाग से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। और डडियाल में मुझे कम अज़ कम 5 साल प्लस हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से पहले मैं यहाँ डडियाल में पक्का यहाँ रह रहा था। अच्छा। और कोरोना की वजह से फिर उधर आपको पता है हर चीज़ जो है लॉकडाउन हो गई थी, तो उसमें मैं भी चला गया था। फिर उस दौरान उसके बाद में अभी तकरीबन 2 से 1.5 माह हो गया, तकरीबन 1.5 महीना हो गया, दो मैं वापस डडियाल आ चुका हूँ। असं कारी साहब न गल बात करने पे हैं, तो बाकी कारी साहब तुसा अपना यूट्यूब चैनल भी न्यू क्रिएट किया है? जी जी। कैसा कम दे रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जाए गया माशाल्लाह। मैं तुसों की मुबारकबाद पेश करना कि तुसों ना माशाल्लाह ये जड़ा यूट्यूब चैनल इनकम है माशाल्लाह होगी तुसों की लभी चुकी है। अल्लाह पाक तुसों की मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया पास कर सब सुन बात अपने तकना ले पेना पुरानी सपोर्ट और उन्होंने दुआ सी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होया तो आज अपने वालिदैन भी तक खुश होए यकीन होया कि वाकई सारा पुत्र कम करना सी इसकी कुछ ना कुछ हासिल होया जो कि रबू रोजी लिखी सी। बेशक। बहुत मुबारकबाद है, मुबारकबाद। तो कर सब सो अपने YouTube चैनल पर क्या कुछ अपलोडिंग करने हैं? मैं YouTube चैनल पर बेसिकली जरा कुरान पाक के हवाले नाल जी इब्तदाईया तौर पर जड़ी चीज़ा बेसिकली सिखाई जानी और पढ़ाई जानी उन्होंने ऊपर मैं ज़्यादा फोकस किए हैं माशाल्लाह। उसी जे होना कि मैं मदनी कायदा इब्तदाईया तू पढ़ाना शुरू किए हैं, कानून और कवायद भी उसी बड़े बेहतरीन अंदाज नाल अपनी तरफा बेहतरीन अंदाज नाल कोशिश की है कि जरा सिखाए जान इंशाल्लाह। जेड़ा भी भैन भरा साड़ा सुनसी है वो एक बार जरूर जेड़ा ना सर्टिफाइड उसी है कि इनसे बहुत अच्छे तरीके नाल पढ़ा रहे हैं। चैनल बहुत अच्छा चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस आया जी, तकरीबन 1 महीना कुछ दिन हुए और अच्छा जा रहा है। ये भी सिर्फ इन मतलब माड़े भैन भरावान ने सपोर्ट है कि इतना अच्छा जा रहा है इंशाल्लाह। फिर उसी जे होना कि मैं थोड़ी बहुत मश्क भी कराई कि ना सूरह फातिहा है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह कौसर है, सूरह दुहा है, और फिर उस तो बाद जो मदनी कायदा है मैं स्टेप बाय स्टेप लेसन बाय लेसन मतलब पढ़ा रहा हूँ, और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 10 सबक तक मैं पढ़ाई चुके हैं। ऐसा कारी साहब को एक गल पूछने हैं कि इन्हें प्रोग्राम आजकल कैसे जा रहे, क्योंकि अक्सर महफिल में हर महफिल जाना है तो बाकी मदरसे भी होना है, प्रोग्राम कैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, और मतलब आए रोज़ प्रोग्राम ये चल रहे हैं, और तकरीबन डडियाल ने पूरे तहसीलों में हर महल ग्रां तक में अल्हम्दुलिल्लाह गया तलावत की है, लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा मिली पसंद कर रहे माशाल्लाह। बाकी तुसा अगर मजीद इनकी समात करना हो तो इन्होंने यूट्यूब चैनल पर इन्होंने आवाज़ कलाम बल्कि तलावत मौजूद होती है जड़े बच्चों की सिखाने जरा सबक अपलोड करी रहे जरा इन्होंने कॉन्टेंट है वो है कि दीन सिखाना सबक सिखाना सुना जड़े भैन भ्रा सुना सीखना चाहे हो तो इन्होंने चैनल ना विजिट करो कारी रईस नूरानी साहिब ना चैनल जरा जरूर सब्सक्राइब करो और इन्हें सपोर्ट करो ताकि जल्द जल्द ये कामयाब होवन, और जितने भी अखबाब है अगर वो कुरान पाक की तालीम उन्होंने को नहीं है तो वो भी इन्होंने वीडियो तक ही क्या सीखी के ना ताकि अशने वक्त आखिरी वक्त कुरान पाक जरा बंदा जी बिल्कुल दुनिया और आखिरत ने जरा ना उसने बीच बख्शिश का जरिया है, और बिलखसूस कुरान पाक का एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया ना कोई भी कलाम अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जो है ना वक्ती लुत्फ होगा और वक्ती जो कुछ होता है, लेकिन कुरान पाक एक ऐसी वाहिद कलाम है किताब है कि आप अगर दुनिया में पढ़ेंगे तो उसका स्वाब आपका इसका अजर जो है वो आपको बाद में भी मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो ये एक सदका जारिया है, आप इसको सुनेंगे और अपनी औलादों को सुनाएंगे, अपनी औलादें जब आपकी औलादें अच्छा कुरान पाक सुनेंगी पढ़ेंगी तो जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो आपके लिए खुद बैठ के कुरान पाक की तिलावत भी करेंगी। ठीक है जी सारे दोस्त जनाब किबला पीर शेद मुर्तजा से शहजाद उन्होंने जनाब जलेत मोहम्मद दीन साहब माशाल्लाह जी माशाल्लाह हाजी बिस्मिल्लाह जनाब ऐसा क्या हाल है और जनाब हाजी बिस्मिल्लाह जलेत मोहम्मद दीन साहब क्या हाल है
जी पार्टी दे रहे हैं अपने दस मुबारक से आप जो ना माशाल्लाह देखें जी जुनेद भाई ने कितनी मोहब्बत फरमाई है और जुनेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपके कारोबार में मज़ीद बढ़ते हैं। ताफ़र मैं की प्ला सदात जनाब की से मुर्तज़ा शाह साहब का सयाह हमारे शहरों में हमेशा कम व तहम रखे सदात हो उतें ही सखी हैं माशा जिनकी इतनी इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। मज़ीद जनाब अली गिफ्ट ओपन किया जाए गया जी तकनी कह आंदा इना ते बाकी अपने शाह साहब अपने दस्त मुबारक न इसकी ओपन करी रहे शाह जी क्या कुछ होना चाहिए ना सरप्राइज क्या चलो मैं ना ओपन वैल इसकी उत रख लो कारी साहब क्या कुछ ऑर्डर कर सो इन्होंने रात 11 हो जाए जनेर साहब तो तकड़े ने शौकीन है हाली माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनती है जी। अच्छा अच्छा शाह जी ड्रिंक जनाब दो मटन फ्राई करी दो 3 किलो लेग पीस करी दो 6 किलो करी दो दही बल्ले हिसाब जनाब ओपन करने पे ओ बिस्मिल्लाह पिज़्ज़ा अच्छा सुभान अल्लाह कारी साहब जी वाह वाह क्या बात खुश हो माशाल्लाह जी माशाल्लाह शाह साहब जी बिस्मिल्लाह क्या बात है जनेर साहब आज कमाल कर सटिया जी दिल खुश हो जी है शाह जी ओ बिस्मिल्लाह है तक पहले माड़ी प्लेट है जी क्या बात है सदात अपने हाथ मुबारक ना दस्त मुबारक ना बस बस थोड़ा थोड़ा जनेर साहब ठीक हो हरियत है बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तकने ले पैना पना की हजरत जी टुर गए यार मोहब्बतों वाले ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੀ ਹਾਸੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀਣਾ ਆ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ ਵੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਮ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਕਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲ पिज़्ज़ा आंदा वे और उस तो बाद कारी रईस नूरानी साहब बैठे हुए किबला पीर सीद मुर्तज़ा हुसैन शाह साहब और तशरीफ़ फरमाए शाह साहब ठीक हो सेहत पर ठीक है माशाल्लाह आज तुसें खुश तक है माड़ा दिल में हां भाग भाग क्या बात है क्या बात खुशी घड़ी है पहले पर दसा पिज़्ज़ा नहीं नहीं पिज़्ज़ा नहीं खुशी पिज़्ज़ा नहीं खुशी पीरा की ए है के पीरानी नजरे करम नाल अल्हम्दुलिल्लाह मार यूट्यूब नी पहली इनकम आई सुभान अल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह तुसानी जनाब अल्लाह ताला मजीद तरक्की दे सी तुसा की और एक दिन ऐसी के ए दुनिया जनाब तुसा की इंशाल्लाह जनाब सना शबाब साहब एक ते हार्ड वर्क ज्यादा सी सनी मेहनत सी इस्तेमाल तुसा की मिले ठीक है और इंशाल्लाह अहलास नाल तुसा इस तरह कम करो दुनिया नियां जड़ियां गल्लां जिन्ना पर तवज्जो नहीं देनी तुसा अपने मेहनत पर अपनी जनाब हार्ड वर्क पर तवज्जो देसो ते इंशाल्लाह कामयाबी इस तरह इंशाल्लाह तुसाने नाल रहे इंशाल्लाह बहुत अल्लाह ने रसूल ने नजर करम इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया शाह जी अल्लाह पाक सबके सामने रखा आमीन किबला कारी रईस नूरानी साहब जी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया आप इतने मशहूर तरीन आदमी है कि आपने फिर हमें वक्त दिया आपका बहुत बहुत कोई मसला नहीं जुनेद भाई थाना बहुत बहुत शुक्रिया आप से मतलब कि काम जाए रखा सोने का मसला मेरे पास बड़ी मोहब्बत करता है जनाब सा ऐ तो किसी ने पढ़ना पढ़ो तो जनाब अगर तुसा भी सबसे पहले बस खाने तो जी बिस्मिल्लाह की तरह सा खाने हां खा लो फिर होता है
ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਜੋ ਤੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਮੌਜ ਲੜੀ ਆ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ फटाफट व्हाट्सएप करो व्हाट्सएप नहीं करो मैं नहीं करी उसने ठीक है आई चा स्पेशल मटका 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 चा आई जुनेद साहब चाह पीने पे कितने परसेंट सौ बिचू पचानवे परसेंट पाँच की छोड़ दिया काम से पाँच एक नाले मतलब तत्ती है तत्ती भी है नाले काला भी है क्या होनी है तत्ती तत्ती होनी है तो कौन मजा है तत्ती ना माशाल्लाह जी इन्ना एक चेंज आंदा है अच्छा माशाल्लाह मटका अच्छा जदीद जदीद तर्ज और इन्ना जडियाल भी माशाल्लाह एक चेंजिंग आंदी है तो इन्ना की अप्रिशिएट करने बड़ा जबरदस्त इन्ना माशाल्लाह कदम उठाया और आवाम मधु होनी है दर्शनी काफ़ी तादाद ही जी दर्शनी और दूसरा है जो बैकग्राउंड है जोक ये बड़ा आवाम की पसंद है हाँ इसलिए वजह तो काफ़ी और बड़ा खूबसूरत माहौल है इधर ना जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह।